जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे सवाल करते हैं कि क्या DM को CM सस्पेंड कर सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको इसी की जानकारी देने वाली हूँ। सबसे पहले कुछ चीज़ें आप ध्यान दें। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि एक IAS ऑफिसर जो कि DM के रूप में पोस्टिंग लेता है, ये अधिकारी एक अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी होते हैं, और अखिल भारतीय सेवा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में होता है। मतलब कि ये है कि इनके ऊपर रियल में जो कंट्रोल होता है IAS ऑफिसर्स पर, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। जब एक IAS ऑफिसर को किसी स्टेट में काम करने के लिए भेजा जाता है, तो वहाँ पर स्टेट से रिलेटेड जो भी काम होता है वो कर रहे होते हैं, वो स्टेट रूल्स के अकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। इसके साथ ही वहाँ की गवर्नमेंट जो भी उनको आदेश देगी काम करने के लिए वो करेंगे। लेकिन मान लीजिए कि कभी DM सही से काम नहीं करते हैं, मतलब कि वहाँ की गवर्नमेंट के हिसाब से काम नहीं करते हैं, तो क्या होगा? तो ऐसी परिस्थिति में यह होता है कि CM और उनकी पूरी मंत्री परिषद एक बैठक करती है। बैठक के बाद यह देखा जाता है कि IAS ऑफिसर जो कि DM के रूप में काम कर रहे हैं, अगर वो सही से काम सही में नहीं कर रहे हैं तो उनको निलंबित कर दिया जाता है। सरल लैंग्वेज में आपको बताऊँ तो CM एक DM को केवल निलंबित कर सकते हैं, उनको बर्खास्त नहीं कर सकते हैं। निलंबन और बर्खास्त को लेकर के ऑलरेडी वीडियो बनाया जा चुका है, उसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। यह तो थी बात राज्यों की, अब बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेशों में। मान लीजिए कि वहां पर एक IAS ऑफिसर को DM के रूप में नियुक्त किया जाता है, तो वहां पर क्या होगा? तो यहां पर ऐसी स्थिति में यह देखा जाएगा कि केंद्र शासित प्रदेश में कौन वहां का प्रशासन संभाल रहा है। अगर मुख्यमंत्री संभाल रहे हैं तो वहाँ पर भी मुख्यमंत्री इनको निलंबित कर सकते हैं। अगर वहाँ प्रशासक हैं तो प्रशासक निलंबित कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर भी जो मेन बर्खास्त करने का काम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। अब बात करते हैं कि दिल्ली में, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो यहाँ पर मुख्यमंत्री भी हैं, तो क्या मुख्यमंत्री एक IAS ऑफिसर मतलब जो कि DM के रूप में काम कर रहे हैं उनको निलंबित कर सकते हैं कि नहीं? तो आपको बताना चाहूंगी कि यहाँ के मुख्यमंत्री ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो एक DM को निलंबित करना है या बर्खास्त करना है, ये दोनों ही काम सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट करती है। तो इस तरीके से एक IAS ऑफिसर को अगर निलंबित करना है तो वहाँ की राज्य सरकार में या फिर केंद्र शासित प्रदेश में वहाँ का जो प्रशासन है कौन संभाल रहा है ये देखा जाएगा, वो लोग निलंबित करेंगे। लेकिन जो मेन बर्खास्त करने का काम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है।